नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। जम्मू कश्मीर में चल रहे चुनाव के बीच किस नेता ने मान लिया कि कश्मीर के विनर तो मोदी ही हैं? बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि हिंदुस्तान के मुकुट की चमक ने किसकी देश विरोधी पॉलिटिक्स को फीका कर दिया है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में बताएंगे उस सवाल का जवाब कि क्या सर्दी बुखार की आम दवा आपको बना रही है किडनी और लीवर का मरीज, और पड़ोस के केमिस्ट से दवा लेते वक्त क्या चेक करके आप बचा सकते हैं अपनी और अपनों की जान। लेकिन शुरुआत बदलते कश्मीर पर एक्सक्लूसिव सबूत के साथ। उन्होंने जगह जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मल सी के तरह पेश करने की कोशिश की। लोग वोट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए लोगों ने तस्लीम किया है कि वो 370 के हटाने से खुश हैं और मुतमईन हैं। तो कहते हैं कि प्रोपेगेंडा और प्रपंच के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन सच्चाई कई बार अनचाहे जुबां पर आ जाती है। और इस बार इस खूबसूरत हादसे का शिकार हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बडगाम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला साहब बारामूला में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। लगे हाथ वहां पत्रकारों ने पूछ लिया कि जनाब, श्रीनगर में कम मतदान को लेकर आप क्या कहेंगे? और इस सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो पूरे देश को सुनना चाहिए, खासकर उनको जो कश्मीर को लेकर दुनिया भर में अफवाह फैलाते रहते। सच बोलूं तो मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले नहीं हुए, कहीं से वोटरों को दबाने और धमकाने की कोशिश नहीं की गई। तो जवाब की शुरुआत में ही उमर अब्दुल्ला ने बोला कि वो सच बोल रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि सच कहूं तो, और सच क्या है वो भी आपने सुन लिया। आगे और क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन अपने जवाब की शुरुआत में उमर अब्दुल्ला ने तीन बड़ी बातें कही। पहला कि कहीं कोई चुनाव बहिष्कार का आह्वान नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पहले चुनाव बहिष्कार का ऐलान करने वाली जो अलगाववादी ताकतें थी, अब या तो उनका खात्मा हो चुका है या बदले हुए हालात को देखते हुए वो सन्नाटे में। पाकिस्तान परस्त वो पूरा जिहादी सिंडिकेट धारा 370 हटाए जाने के बाद खत्म किया जा चुका है, इसीलिए कश्मीर चुनाव के दौरान कहीं भी चुनाव बहिष्कार का शोर नहीं सुना गया। अब दूसरी बात जो उमर अब्दुल्ला ने कही, उन्होंने कहा कि कहीं कोई हमला नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? उमर अब्दुल्ला सीधे सीधे मोदी सरकार में कश्मीर में मजबूत हुई सुरक्षा व्यवस्था का बखान कर रहे हैं, मान रहे हैं कि मोदी सरकार में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकियों के हौसले पस्त कर दिए। और अब तीसरी बात, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीर में कहीं भी मतदाताओं को दबाने या डराने की कोशिश नहीं हुई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि कश्मीर का यह चुनाव पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उमर अब्दुल्ला की तीनों बातों को देखने समझने में के बाद यह बात समझ में आती है कि उमर अब्दुल्ला मोदी सरकार की जाने अनजाने भर मन से तारीफ कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस में, उमर अब्दुल्ला पूरे मन से कश्मीर चुनाव को फ्री एंड फेयर बता रहे हैं, लेकिन इनके मुखिया, अलायंस के मुखिया राहुल गांधी हरियाणा में बोलते हैं कि चुनाव आयोग में मोदी सरकार ने अपने लोगों को भर दिया है। अब तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि दोनों बैठकर पहले तय कर लें कि चुनाव आयोग विलेन है या हीरो। पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुनिए और फिर बदलते कश्मीर पर उमर का इकबालिया बयान, और उन दोनों को बरक्स रख कर देखिए, आमने सामने रख कर देखिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इंडिया अलायंस में आज क्या हो रहा है। तो खोखला कर रहे देश को, इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग, मीडिया में अपने लोग, इंटेलिजेंस सर्विसेज में अपने लोग,
और 90% हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं। तो राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा चुनाव में जो उन्होंने बातें कही उसमें स्पष्ट तौर से इसमें आप नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने कहा, वही सब हम आपको सुनवाएंगे, कि हर जगह मोदी ने अपने लोग रखे हैं और उसमें चुनाव आयोग का भी जिक्र किया। राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में कुछ और बोल रहे हैं और जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच उनके जो पार्टनर हैं वो कुछ और। खैर, ये गठबंधन का इंटरनल मामला है, देश के लिए और आपके लिए जरूरी मसला ये है कि उमर अब्दुल्ला मान रहे हैं कि मोदी ने इस बदले हुए कश्मीर की स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन क्या इतना आसान था? उमर अब्दुल्ला ने तो आसानी से मान लिया कि कश्मीर में बदलाव हुआ है, लेकिन क्या उस कश्मीर में जहां रोजाना खून खराबा होता था, बाकायदे कैलेंडर लगाकर पत्थरबाजी होती थी, वहां अलगाववाद, आतंक और अन्याय के कुचक्र को तोड़ पाना क्या इतना आसान था? बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ, और हम आपको बताते हैं कि यह कैसे मुमकिन हुआ। कश्मीर में अलगाववादी आर्टिकल 370 को ढाल बनाकर आम लोगों को भड़काते थे, धमकाते थे। मोदी शाह ने साल 2019 में धारा 370 को कब्र में गाड़ दिया। राज्य में केंद्रीय कानूनों का प्रभाव बढ़ा और अलगाववादी ताकतें कमजोर होती चली गई। अलगाववाद और आतंक को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने सिक्योरिटी फोर्सेज की तादाद बढ़ाई, उनकी पावर बढ़ाई, जिससे आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। तो एक तरफ आतंक और अलगाववाद से ऐसे निपटा गया और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में विकास की नई योजनाएं शुरू की गई और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उससे जोड़ने की कोशिश हुई। मोदी सरकार ने आम कश्मीरियों से संवाद कायम किया, जिससे स्थानीय लोगों में विश्वास बढ़ा और अलगाववाद की भावना कम हुई। ये तो हुई मोदी सरकार की कोशिशों से कश्मीर में आए बदलाव की बात। अब फिर से उमर अब्दुल्ला की बात पर लौटिए। उमर अब्दुल्ला की जुबां पर जाने अनजाने मोदी सरकार की तारीफ तो आ गई, लेकिन पॉलिटिक्स भी तो करनी है, इसलिए तारीफ के फौरन बाद गियर चेंज किया उन्होंने और उमर अब्दुल्ला सरकार को कोसने लग गए। लेकिन यहां भी उन्होंने एक गलती कर दी। क्या गलती उमर अब्दुल्ला ने की वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो जरा बयान सुनिए। मरकज की हुकूमत ने एक और गलती भी की, उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई, तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले। तो उमर अब्दुल्ला के कहने का मतलब यह है कि दूसरे देशों के लोगों को कश्मीर का चुनाव दिखाकर मोदी सरकार ने गलती कर दी, बदलते कश्मीर की तस्वीर दिखाकर कश्मीर के आम लोगों को नाराज कर दिया। यानी अब्दुल्ला जैसे लोग नहीं चाहते कि बदलते कश्मीर की तस्वीरें दुनिया देखे, और कश्मीर को लेकर जो फेक नैरेटिव अब्दुल्ला जैसे नेता दुनिया भर में फैलाते रहे हैं उसकी पोल खुले। मैं उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूं कि जब उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने का एकमात्र तरीका पाकिस्तान से बातचीत है, यानी कश्मीर के मामले में अब्दुल्ला परिवार को पाकिस्तान से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया कश्मीर की हकीकत देखे इस बात से ही वो घबरा जाते हैं। और ये घबराहट क्यों होती है यह भी मैं आपको बताता हूं। असल में आजादी के बाद से ही कश्मीर का पूरा नैरेटिव मुट्ठी भर लोग मिलकर सेट करते आए हैं, जिसमें अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार और हुर्रियत के कुछ नेता शामिल थे। दिल्ली की हुकूमत में बैठे लोगों को भी लगता था कि बस किसी तरीके से इन लोगों को खुश रखो और जहां तक हो सके कश्मीर के मसले को टालते रहो, जबकि ये सारे लोग संसाधन और सुविधाएं तो भारत सरकार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों की निष्ठा पाकिस्तान के साथ थी। मोदी ने ये डायनेमिक्स चेंज कर दिया, धारा 370 खत्म करके अलगाववाद और आतंकवाद की कमर ही नहीं तोड़ी, कश्मीरी नैरेटिव सेट करने की कुछ लोगों के का जो एकाधिकार था उस पर उसको भी खत्म कर दिया। अब बदले हुए कश्मीर के कई चेहरे हैं और बदलाव के कई झंडाबरदार पूरे कश्मीर में उभर रहे हैं। अब कश्मीर को सिर्फ दुनिया अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की आंखों से नहीं देखेगी, और यही बदलाव इन्हें रास नहीं आ रहा। इसलिए आज अब्दुल्ला की बातों में विरोधाभास झलकता है, इसीलिए उमर अब्दुल्ला खुद मान रहे हैं कि कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं, और यह मालूम होते हुए भी कि धारा 370 को खत्म करने के बाद ही यह मुमकिन हो पाया है, इन्हीं की पार्टी अपने मैनिफेस्टो में
धारा 370 की वापसी का रास्ता तैयार करने का वादा करती। ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? और जिस कश्मीर में वो मतदान कम होने का रोना रो रहे हैं, वहां मतदान घटा नहीं, श्रीनगर में मतदान बढ़ा है। इस बार श्रीनगर में 29.24% वोटिंग हुई, और जब 2014 में आखिरी बार यहां विधानसभा के चुनाव हुए थे तब श्रीनगर में 27.86% मतदान हुआ था, यानी वोटिंग ज्यादा हुई है साहब। तब फिर क्यों उमर अब्दुल्ला कम मतदान वाला प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एजेंडा डिरेल कर दिया? क्योंकि अब्दुल्ला फैमिली तो यही मानकर बैठी थी कि मतदान घटेगा और वो धारा 370 को लेकर मोदी सरकार को घेरेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। बहरहाल अब्दुल्ला साहब अपनी मंशा आम कश्मीरियों पर मत थोपिए। कश्मीर ने लोकतंत्र में हिस्सेदारी दिखाकर अपना मैसेज दे दिया है, और कश्मीर में आए बदलाव को कबूल कर आपने भी जाने अनजाने में मोदी तक मैसेज पहुंचा दिया है। और अब वो खबर जो सीधे सीधे आपकी सेहत से जुड़ी हुई, और एक खबर बेहद चौंकाने वाली है और सवाल उठा रही है कि क्या दवा दुकानों से जो हम दवाई, टैबलेट या सिरप खरीद रहे हैं वो कहीं घटिया क्वालिटी की तो नहीं? और ये सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब हम बड़े ब्रांड, बड़ी कंपनियों की दवा ज्यादा पैसे लेकर और इस भरोसे से खरीदते हैं कि हम स्टैंडर्ड दवा ले रहे हैं। इसकी क्वालिटी में कोई नुक्स नहीं निकाला जा सकता, लेकिन देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने चंद घंटे पहले जो लिस्ट जारी की है वो आपके होश उड़ा देगी। इस लिस्ट में 53 ऐसी दवाइयों, जिसमें कि टैबलेट्स, सिरप, इंजेक्शन वगैरह का नाम दर्ज है, जो CDSCO की जांच में घटिया पाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाओं को हमारे आपके घरों में कोई ना कोई रोज खा रहा होता है, और ये दवाइयां इतनी कॉमन है कि इनमें से कईयों के नाम तक हम सोते जागते भी बता सकते हैं, गिना सकते हैं। कोई नींद में भी पूछे तब भी हम इन दवाइयों के नाम बता सकते हैं। इसलिए देश का मूड मीटर में आज पड़ताल इस बात की कि आखिर हमारी सेहत के साथ, हमारे भरोसे के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। और जिन दवाओं को हम बड़े ब्रांड का मानकर आंख मूंद कर खरीद रहे हैं वो हमारे शरीर के साथ हमारी जेब को भी कितना नुकसान पहुंचा रहा है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जिन घटिया दवाइयों की लिस्ट जारी की है उसे जांच के लिए पिछले महीने अगस्त में रैंडम सैंपलिंग के जरिए कलेक्ट किया गया था, दुकानों से उठाया गया था। इसमें हमारे रोजमर्रा की इस्तेमाल वाली बुखार, सर्दी, खांसी, एलर्जी, गैस वगैरह की गोलियां भी है, और वहीं हार्ट, लीवर, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, मिर्गी, डायबिटीज और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं भी शामिल है। और ये ऐसी दवाइयां हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो वहीं इसमें कैल्शियम, विटामिन, सप्लीमेंट के वो टैबलेट्स भी हैं जिसे कई बार हम डॉक्टर की सलाह के बिना भी खाते रहते हैं और दूसरों को भी बताते रहते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि इन 53 दवाइयों की जो घटिया क्वालिटी है उसे कैसे, उसमें कौन कौन से नाम हैं, और ये जो बनाए गए हैं इसके बैच नंबर से इसकी पहचान की जा सकती है। हम आपको दवाइयों के नाम के साथ साथ बैच नंबर भी बताएंगे और ये बताएंगे कि ये इसमें से बहुत सारी दवाइयों के नाम आप देखते ही पहचान जाएंगे। पैरासीटामोल, बहुत सारी कंपनियों की दवाइयां आती है पैरासीटामोल के नाम से, लेकिन इसमें पैरासीटामोल के नाम से जो दवा आ रही है उसका बैच नंबर ये है। सिंथेल कोल्ड डीएस सिरप है ये, इसमें भी ये भी पैरासीटामोल ही है एक तरीके का। और ये आप देख रहे हैं निमसुलाइड और फेनिलीफ्रीन, ये इसमें ये भी दर्द निवारक दवा है और एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक कहा जाता है, बुखार और दर्द में जनरली ये सब दवाइयां इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा देखिए निसिप, ये भी निमसुलाइड ही है, निसिप MR। उसके बाद बूफ्लेम प्लस सिरप है, ये आपने सुना होगा, आइब्रूफेन वगैरह बहुत कॉमनली लोग इस्तेमाल करते हैं, दर्द निवारक दवा है ये भी। उसके बाद नुमिन कोल्ड भी निमसुलाइड ही है, और ये सारी दवाइयां हैं जो कि आसानी से बहुत सारे लोगों की जुबान पे चढ़ी होती है और लोग आसानी से कई बार जाके OTC यानी कि काउंटर पे जाके खुद से खरीद लेते हैं। ये आपने सगे संबंधियों को, यारों दोस्तों को बता देते हैं कि अगर फीवर है, दर्द है, तो ये दवाई खरीद लो, और उसका 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 असर क्या हो सकता है आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये सारी दवाइयां जो हमने जिनके नाम बताए, ब्रांड के नाम, कंपनियों के नाम नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन ये सारे ब्रांड आप इसमें से बहुत सारे ब्रांड के बारे में वाकिफ होंगे।
ये जो सारी दवाइयां हैं ये सब स्टैंडर्ड पाई गई है। सब स्टैंडर्ड का मतलब यानी कि इसमें जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके जो मॉलिक्यूल हैं, वो या तो सही मात्रा में नहीं है या उस जो उसकी मात्रा जिस अनुपात में मिलाई गई है वो स्पूरियस है, जिसकी वजह से वो जहरीले हो गए हैं। अब आप सोचिए कि ये सब दवाइयां कई बार लोग बहुत लंबे अरसे तक खाते हैं, इसका क्या असर होगा आपकी सेहत पर, ये जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हम बताएंगे आपको कि इन दवाइयों का असर क्या होगा आपके शरीर पे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा कुछ और दवाइयों के नाम देख लेते हैं। तो ये हमने अभी आपको बताया था जिसमें कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवाइयां थी, बुखार वाली दर्द वाली दवाइयां। अब जरा देखिए, अब आपको दिखा रहे हैं ये दूसरे बैच की दवाइयां हैं, दूसरे कैटेगरी की दवाइयां हैं। ये हैं आपको एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक आपको पता ही है कि छोटे मोटे इन्फेक्शन से लेकर कई बार गंभीर तरह के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। एक क्लेवम 625 आपको पता होगा कि ये क्लेवुलिनेट होता है इसमें, और दूसरा जो आपको देख रहा हूँ मैक्सक्लेव 625 ये भी क्लेवुलिनेट ही होता है ये भी। इसके अलावा आप देखिए रेना मेगा सीबी 625, ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये सब जो है पोटेशियम क्लेवुलिनेट और एमोक्सिसिलिन, इन ये कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, कई बार डॉक्टर इसको आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। और ये सारी दवाइयां ये जो ब्रांड मैं बता रहा हूँ इसके साथ साथ बैच नंबर भी इसका बता रहा हूँ, क्योंकि यही बैच जो है वो दुकानों से उठाए गए थे जाँच के लिए, और ये सब या तो सब स्टैंडर्ड या रिपोर्ट कहती है कि स्पूरियस यानी कि जहरीले पाए गए हैं। अब आप सोचिए कि ये दवाइयां आप खा रहे हैं कि आपकी सेहत ठीक हो, और ये उल्टे आपकी सेहत खराब कर देगी। इसके अलावा जरा दिखाइए तीसरे तरह की जो दवाइयां हैं ये भी देखिए, ये बीपी की दवा है। इसमें से बहुत सारे लोग तो लंबे लंबे समय तक बीपी की दवा के बारे में आपको पता होगा कि एक बार शुरू हो जाता है तो ताउम्र चलती है दवाइयां। उसमें टेलीमिसार्टन बहुत ही कॉमन दवा है जो, और उसके अलावा टेलीमिसार्टन आईपी 40 mg और ओलमिसार्टन है ना, ये दोनों दवाइयां बहुत लंबे समय तक खाई जाती हैं। अब सोचिए कि जिसको रोज सुबह उठते सबसे पहले आप खा रहे हैं नाश्ते के बाद, वो दवाई अगर इस तरह की है कि आपकी तो आप सोचिए कि आपकी जान पे भी बना सकती है। अब इस तरह की दवाइयों की एक लंबी लिस्ट है, मैंने जैसा कि आपको बताया, जरा दिखाइए डायबिटीज, जैसे कि आपको पता है कि बीपी की दवाइयां जैसे लंबे समय तक खाई जाती है, डायबिटीज की दवा भी एक बार शुरू हो जाए तो ताउम्र चलती ही रहती है कमोबेश। जरा ये देखिए ग्लाइसीमेट SR-500, इसके अलावा ग्लिमेपिराइड, ये भी एक दवा है, दूसरी दवा है ग्लिमेपिराइड, ये भी इसका भी बैच नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए कि इस तरह की दवाइयां जो कि इतनी इतनी कॉमनली इतनी बड़ी संख्या में इस देश में लोग खाते हैं, वो दवाइयां इस तरह की जहरीली या सब स्टैंडर्ड हैं, घटिया हैं। अब आइए अब अगले तरह की अगली कैटेगरी दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए एंटी एलर्जिक, जो कि ज्यादातर सर्दी जुकाम खांसी में बच्चों को भी दी जाती है, इसमें अभी हम आपको दवाइयां दिखाएंगे आपको। इसमें से देखिए कौन कौन सी दवाइयां इसमें फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड है और मॉन्टेयर एलसी किड। मॉन्टेयर एलसी आपको पता ही होगा, ये भी जनरली सर्दी जुकाम में बच्चों को दी जाती है। कोरोना के टाइम में तो इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी मात्रा में लोगों ने इसको खाया मॉन्टेयर एलसी, जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये बच्चों को देने वाली दवाइयां किड एलसी मॉन्टेयर एलसी किड, ये इसका भी बैच नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारी दवाइयां या तो सब स्टैंडर्ड मतलब यानी कि घटिया पाई गई या जहरीली पाई गई। सोचिए ये वो दवाइयां हैं जो कि इतनी कॉमन, इसमें से बहुत सारी दवाइयां हमारे दर्शकों को तो नाम से याद होगी जैसे मुझे याद है, इसमें से बहुत सारी दवाइयां तो मैंने भी अपने जीवन में कई बार खाई है और आज भी खा रहा हूं। और आप सोचिए कि ये सारी दवाइयां ये फेक सब स्टैंडर्ड पाई गई। जरा आगे दिखाइए अब आप जरा कुछ सप्लीमेंट की दवाइयां दिखाइए, कैल्शियम आयरन विटामिन D3 आपको पता ही है, लोग आसानी से जब उनको लगता है कि यार थोड़ा सा लगता है कि कमजोरी लग रही है जरा आयरन की दवा खा लो, ये हीमोग्लोबिन कम हो रहा है आयरन की दवा, ये सब बिना पूछे खा लेते हैं लोग कई बार। और उसमें से एक कैल्शियम 500 विटामिन D3 ये सब आप देखिए। इसके अलावा इसमें एक बहुत फेमस ब्रांड है शेलकेल 500, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सब सारी दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई। आप सोचिए ये सब यानी कि ये सब बहुत कॉमन इस्तेमाल होने वाली ये एक तरीके से दवाइयां हैं और सप्लीमेंट है। तो आप सोचिए कि कैल्शियम विटामिन D3 और आयरन की दवाएं भी ऐसे ही पाई गई। अब जरा दिखाइए हार्ट की दवा है एड्रेनलिन, इसके अलावा हेपेरिन सोडियम इंजेक्शन और हेस्ट्रानिल, ये सब दवाएं हैं जो कि स्ट्रोक से लेकर के और कई बार ब्लड क्लॉट वगैरह जब होता है तो उससे बचाने के लिए सब दवाइयां दी जाती है। आप सोचिए जान बचाने वाली दवाइयां जो कि जिसके जीवन और मरने का सवाल हो सकता है जिन दवाओं को लेकर, वो सब दवाइयां अगर सब स्टैंडर्ड आ रही हैं तो उसका क्या होगा अंजाम आप सोच सकते हैं। अब आप जरा अगली तरह की दवाई दिखाइए एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट और मिर्गी, इस तरह के बीमारियों में इस्तेमाल होती है। उसमें एराजोल फेनिटोइन सोडियम इंजेक्शन
और क्लोजेप्स, ये तीन ब्रांड सामने आए हैं। इसमें बेंजोडाइजापाइन और क्लोनाजेपाम, ये ज्यादातर होता है कि नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रही है, तो ऐसी चीजों में ये सब दवाइयां इस्तेमाल होती है। अब सोचिए, अब ये दवाइयां भी उसी तरह की पाई गई। और अब लास्ट में बहुत सारी कॉमन दवाएं भी है, जिसमें कि रिफमिन 500 और डिक्लोफेनेक सोडियम दर्द की दवा, विंजेल एक्सेल प्रो जेल है, पैंडी, सोचिए गैस की दवा पैंडी, लोग ऐसे ऐसे नाम से उठा लेते हैं कि भाई जरा पैंडी दे देना, भाई गैस हो रही है, थोड़ा एसिडिटी हो रही है, पैंडी। इस तरह की दवाएं, सारी दवाएं या तो सब स्टैंडर्ड पाई गई या उनमें वो जहरीली पाई गई, यानी कि उसमें जो एपीआई थी, यानी कि जिसको आप बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, वो प्रॉपर नहीं थे। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़े इतने बड़े बड़े ब्रांड की दवाएं आप खाते हैं इसलिए कि आपकी सेहत ठीक होगी, और ये दवाएं खाएंगे तो इसका असर क्या होता है, अगर लंबे समय तक खाएं तो किडनी और लीवर तक फेल हो सकता है। आप सोचिए, वो दवा, वो जो रोग है वो तो ठीक नहीं होगा, उल्टे 50 तरह की और बीमारियां हो जाएंगी अलग से। अब इस तरह की सिचुएशन में ये देश चल रहा है, और इसको लेकर के आप सोचिए कि क्या किए जाने की जरूरत है, देश के हुक्मरानों को भी इस पर सोचने की जरूरत है। तो देश का मूड मीटर में इस खौफनाक और बहुत हैरान करने वाली खबर से खत्म करते हैं।